मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। कल मुंब्रा के अंबेडकर पाड़ा के पास पानेरी पाड़ा में जंगल में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। मुंब्रा पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर ही हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या करने वाला जो आरोपी है उसका नाम सानिफ आसू शाही, 26 साल है। इसने अपने साथी जाकिर शेख के साथ मिलकर मोहम्मद इत्तेहाद मोहम्मद अब्दुल वाहिद 20 वर्षीय की हत्या की थी, जो पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला था और ये मुंब्रा के चरनीपाड़ा में रहता था। अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में एपीआई कृपाले बोर्ड से अजय कुम्हार, मकानदार एस ए खरे, अजीत तड़वी, तुषार महाले, भूषण खैरनार माली, रुपेश शेल के, प्रमोद जमदाड़े, ये पूरी टीम जो है बांद्रा के बहराम पाड़ा से इस आरोपी को गिरफ्तार की। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीसीपी अविनाश अंबूरे ने बताया है कि मुंबई के बहराम पाड़ा से आरोपी सानिफ आशू शाही को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मालदा टाउन लक्ष्मीपुर का रहने वाला है। पूछताछ में इसने बताया है कि मोहम्मद इत्तेहाद और उसके साथ साथियों ने मिलकर 3 साल पहले उसके छोटे भाई अल करीम का मर्डर किया था, जिसकी बदले की भावना से अब आरोपी सानिफ आसू शाही ने मोहम्मद इत्तेहाद का मर्डर कर दिया। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया है कि पश्चिम बंगाल पुलिस से मुंब्रा पुलिस लगातार संपर्क में बनी हुई है कि क्या 3 साल पहले ऐसी वारदात हुई थी या नहीं हुई थी, इसकी जानकारी ली जा रही है। बहरहाल मोहम्मद इत्तेहाद के हत्या के मामले में एक आरोपी सानिफ आसू शाही को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी जाकिर शेख अभी फरार है, उसे भी गिरफ्तार जल्द ही किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी अविनाश अंबूरे ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है वो भी आपको सुनाते हैं, और आगे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस निरीक्षक बाब साहिब निकम कर रहे हैं। दिनांक 19 तारीख को सुबह करीबन 11:30 बजे हमारे पुलिस स्टेशन में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि देवरीपाड़ा कौसा यहाँ पे जो एक जंगल है वहाँ पे एक अज्ञात किस्म का प्रेत पाया गया है। उसी तहत हमारे जो पुलिस स्टेशन के सभी सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचे और वहाँ पे जाने के बाद में हमें पता चला कि एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी जिसके गले पे चाकू के वार है, दोनों पैर के पीछे के जो नस है उसके ऊपर भी वार किया है, थाइस पे वार किया है, इस तरीके से उसको जो चाकू या वेपन से उसको मार के उसको वहाँ पे फेंक दिया गया, ऐसे प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। उसके मुताबिक हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन में लग गई। हमारे जो डिटेक्शन ऑफिसर है बुरसे मैडम और उनकी पूरी टीम ने सबसे पहले जो मैत था उसको हमने आइडेंटिफाई किया, उसका नाम पता चला, मोहम्मद इत्तेहाद मोहम्मद अब्दुल वाहिद जो 20 साल का है और ये मालदा वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, यहाँ पे चरनीपाड़ा में रहता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे ये लेबर बोल के काम करता है। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमने जब पता किया तो उसके पता चला कि उसके कई जो साथीदार थे, उसके जो दोस्त थे, उनके भी मोबाइल नंबर्स हमने ट्रेसिंग पे किए और इससे हमको पता चला कि इसका एक रिलेटिव है जो नाम है सानिफ आसू शाही, ये उसने ये जो मर्डर किया है उसने ये मर्डर उसने किया है। पता चलने के बाद में हमने ये सानिफ आसू शाही को हमने बहराम पाड़ा मुंबई यहाँ से उसको हमने उसको हिरासत में लिया और 12 घंटों के अंदर हमने ये जो ऑफेंस है ये हमने डिटेक्ट किया। सर आखिर मारने की वजह क्या है? प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमें ऐसे ही पता चल रही है, जो अक्यूज्ड है उसके इंट्रोगेशन में हमें पता चल गई है कि ये दोनों भी वेस्ट बंगाल मालदा के रहने वाले हैं और दूर के रिलेटिव है, और जो आरोपी है सानिफ आसू शाही उसका एक छोटा भाई है अल करीम, इसको ये इनका कह ये आरोपी का कहना है कि अल करीम को जो मैत है मोहम्मद इत्तेहाद ने उसको कई साथीदारों के साथ में उसने उसको मारा था, ऐसा उसका उसको पता चलने के बाद में इस कारण से उसने कल ये एक वेपन से जो चाकू है वो वेपन से उसने उसको मारा था, ऐसे इन्फॉर्मेशन पता चला। मतलब जान से मारा था या सिर्फ मारपीट की वारदात हुई?
खून किया था ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिला है। उसी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए हमने मालदा पुलिस स्टेशन से भी कांटेक्ट किया है और वैसी कोई वारदात हुई है, इंसिडेंट हुआ है क्या, इसकी भी छानबीन हम लोग कर रहे हैं। नहीं, वहाँ पे स्पॉट पे हमको नहीं मिला था। अभी आरोपी का इंट्रोगेशन चालू है, उसके आगे इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ये सब चीज़ें। सर, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है लेकिन इस हिसाब से उस जंगल में उसकी डेड बॉडी थी, देखने से ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था कि मतलब किसी एक व्यक्ति का ये काम हो। इसके साथ में और एक आरोपी है, उसकी भी हम लोग उसका उसको ढूंढ रहे हैं और जल्दी उसको भी हम लोग उसको हम लोग हिरासत में लेंगे फिर। सर एक मिनट, जैसे जो जिसकी मैयत हुई है ये यहाँ श्रीलंका में यहाँ रह रहा था, तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट पैसे गोपनीय को कुछ मालूम नहीं थी कि कोई मर्डर का आरोपी मुमरा में बंगाल से यहाँ आकर रह रहा है? जो मर्डर का आरोपी है ये मुमरा में रहता नहीं है, बहरामपाड़ा जो बांद्रा में है मुंबई में वहाँ पर रहता है, वहाँ से उसको हमने हिरासत में लिया है। और जो मयत है वो अपने यहाँ पे चरनी रोड में यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, वो यहीं पे पास में रहता है। कह रहे कि उसने वहाँ पर जो है जुर्म को वारदात दिया था, तो क्या मुंबरा की गुप्त नहीं यहाँ पे नहीं ये जो उसका कहना है कि वेस्ट बंगाल में 3 साल पहले ऐसी वारदात हुई थी, इसकी ये सचमुच में ये वारदात हुई है या नहीं है इसकी छानबीन हम वहाँ के मालदा पुलिस स्टेशन से पता करके हम लोग आपको बता देंगे।